स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10 का इंग्लिश बुक स्टार्ट किए हैं और हम लोग ऑलरेडी पैट्रियोटिज्म जो कि हमारा फर्स्ट रीडिंग ए था तो उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इंक्लूडिंग ऑल क्वेश्चन आंसर्स, वोकैब, ग्रामर एंड ऑल। ओके, तो आज हम लोग रीडिंग बी स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज हाउ द लिटिल काइट लर्न्ड टू फ्लाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है, छोटा सा पोयम है लेकिन अच्छा सा पोयम है जिसमें कि एक सीख मिलती है हमें, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस कविता में, ये एक कविता है, पोयम है, और इस कविता में कवि ने एक छोटी सी पतंग को, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है एक बड़ा पतंग है और एक छोटी सी पतंग है ना, तो छोटी सी पतंग को अपने दूर जो डर है उसको दूर भगाकर किस प्रकार ऊपर उड़ना सीखता है, यह बताया है पोएट ने। ओके, कवि का क्या उद्देश्य है अपने कविता के माध्यम से, कि कोई भी छोटा या बड़ा, है ना, हम लोग छोटे हैं या बड़े हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम अपने डर को दूर करके मन में दृढ़ संकल्प, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन कर लें तो हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अपने मंजिल को पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है, नामुमकिन को भी हम लोग मुमकिन बना सकते हैं, यही पोयम में सीख है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले मैं दो दो लाइन करके पढ़ूंगी, तो आप लोग भी मेरे साथ अपना बुक ओपन कीजिए या तो मोबाइल में कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपना अटेंशन और पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आई कैन नेवर डू इट, द लिटिल काइट सेड एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड। मतलब क्या है, आई कैन नेवर डू इट, मैं इसे कभी नहीं कर सकता, कौन बोला, छोटी पतंग ने कहा। एज ही लुक्ड एट द अदर्स, मतलब जब उसने दूसरों को अपने सिर के ऊपर देखा, हाई ओवर हिज हेड मतलब सिर के ऊपर, ठीक है, जब उसने दूसरों को अपने सिर के ऊपर में देखा तो अपने मन में क्या सोचता है कि मैं तो कभी भी ये काम नहीं कर सकता। मतलब क्या है, पतंग का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, उड़ना। ओके, आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राइड टू फ्लाई, ट्राई सेड द बिग काइट ओनली ट्राई। मतलब मैं जानता हूँ, छोटी पतंग ने बोली कि मैं जानता हूँ अगर उड़ने की कोशिश तो करूँगी तो मैं अवश्य ही गिर जाऊंगी। तो बड़ी पतंग ने क्या बोलती है, कोशिश तो करो, बड़ी पतंग ने कहा केवल कोशिश करो, ओनली ट्राई, है ना। हम लोग किसी भी अगर काम करना है, अगर कोई भी काम अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम लोग अपना मंजिल को पा नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए पहले हम लोग को कोशिश करना चाहिए, उसके बाद में अपना मंजिल अपने आप आ जाती है। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। कोशिश करो, बड़ी पतंग ने कहा केवल कोशिश करो और मुझे डर है तुम ये सब कभी नहीं सीख पाओगे, अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे। ये कौन बोल रहा है, बिग काइट, है ना। बट द लिटिल काइट सेड, लेकिन छोटी पतंग ने क्या कहा, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, मेरे को डर है कि मैं गिर जाऊंगा। द बिग काइट नोडेड, अब बड़ी पतंग ने सिर हिला के बोला ओ ठीक है, अलविदा, ओके, गुड बाय, ठीक है, आई एम ऑफ, एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई। और वो ऐसा करके उसको अलविदा लेके उससे वो उड़ गया, अपने शांत आकाश की ओर उड़ गया। ओके, देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टेड एट द साइट, then the little kite's paper stood at the sight and trembling he shook himself free for flight, first whirling and frightened then brave grown up, off he rose through the air alone till the big kite looking down could see the little one rising steadily। अब क्या होता है, जैसे ही बड़े पतंग ने अपना उड़ान भर ली फिर छोटी पतंग उससे देख के प्रेरित होने लगा, ठीक है। कोई एक काम करता है हमारे सामने भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लास में कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको देख के क्लास के बाकी सारे बच्चे भी क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, है ना। कोई अगर अच्छा काम, जैसे हम लोग किससे प्रेरित होते हैं, जो अच्छा काम करता है, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी,
है ना। महात्मा गांधी हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किए, उसको देख के क्या होते हैं, बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं। वैसे ही बिग काइट ने जब अपना उड़ान भर ली तो छोटी पतंग ने उसको देखकर अपना मन जो है उस मन में उत्साह भर गया, प्रेरित हो गया, ठीक है। लेकिन उसके मन में भय भी है और भय के साथ क्या हुआ, कांपते हुए उसने अपना सिर हिलाकर उड़ने के लिए स्वतंत्र किया, मतलब अपना उड़ने को तैयार हुआ, ठीक है। पहले क्या करता है, पहले क्या होता है, पतंग आप लोगों ने में उड़ाए होंगे, है ना। जैसे ही उड़ान भरना स्टार्ट होता है पतंग पहले गोल गोल चक्कर लगाता है, ठीक है। तो वैसे पहले क्या किया छोटी पतंग ने, गोल गोल चक्कर लगाया, फिर उसके मन में डर आ जाता है, लेकिन किसी भी तरह अपना हिम्मत को न खोए हुए फिर वो बहादुरी से आगे बढ़ा। फिर धीरे 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 ऊपर गया, ऊपर वह हवा के माध्यम से अकेला बढ़ता गया, उसके साथ कोई भी नहीं थे, वो खुद ही हिम्मत कर रहा है ना। पहले तो डर रहा था लेकिन बड़े पतंग से प्रेरित हुआ और धीरे धीरे गोल गोल चक्कर लगाते हुए अपना उड़ान भरने की कोशिश की। अब छोटी पतंग जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड एज ही सेल्ड विथ द बिग काइट साइड बाय साइड while far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. They rested high in the quiet air and only the birds and clouds were there. मतलब क्या है, देखिए, then how the little kite thrilled with pride, मतलब जैसे ही छोटी पतंग ने उड़ान भरी, धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश की, वो क्या हुआ, वो गर्व से रोमांचित होने लगा, है ना, उसको अच्छा लगने लगा कि हाँ चलो भाई मैं भी कुछ काम कर सकती हूँ। वह बड़ी पतंग के साथ समान रूप में साथ साथ रवाना हुई। पहले से बड़ी पतंग ऊपर पहुँच गई है लेकिन छोटी पतंग ने धीरे धीरे उड़ान भर के अब बड़ी पतंग के साथ में आ गई है, ठीक है। जबकि वह अब दूर से नीचे जमीन की ओर देखता है तो छोटे छोटे लड़के लोग जो कि मैदान में खेल रहे थे वो कैसे उसको नज़र आते हैं, छोटे छोटे धब्बों की जैसे दिखते हैं, ठीक है। हम भी मतलब चार मंजिल ऊपर में आप लोग चढ़ जाओगे या पहाड़ ऊपर में चढ़ जाओगे, नीचे की ओर देखोगे तो छोटे छोटे दिखते हैं सब, है ना। वैसे ही छोटी पतंग को जब वो ऊपर से नीचे की ओर देखती है तो बच्चे लोग कैसे दिखते हैं जो कि मैदान में खेल रहे थे, छोटे छोटे धब्बों की जैसे, ठीक है। अब दोनों छोटी पतंग और बड़ी पतंग विश्राम करते हैं शांत हवा में और केवल पक्षी और बादल वहाँ पर थे। वहाँ आकाश में आसमान में कौन रहेंगे, चिड़िया लोग ऊपर उड़ते होंगे या बादल होते होंगे, है ना। वहाँ उनके फ्रेंड कोई नहीं थे बल्कि बर्ड्स और क्लाउड्स थे। ओ हाउ हैप्पी आई एम द लिटिल काइट क्राइड एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। अब क्या होता है, ओ मैं कितना खुश हूँ, छोटी पतंग रो रही थी, मतलब खुशी के आंसू था उसके आँख में, है ना। और क्या बोलती है वो, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, और ये सब किसकी वजह से हुआ, मेरी बहादुरी और मेरी कोशिश की वजह से हुआ था। अगर मैं बहादुरी पूर्वक कोशिश ही नहीं की होती तो आज मैं ऊपर नहीं उड़ पाई होती। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है स्टूडेंट्स, जो भी हमारा काम होता है उसको हम लोग को अटेम्प्ट ट्राई करते रहना चाहिए, है ना। कभी ना कभी मंजिल हमें ज़रूर मिलेगी, यही है इसी पोयम का लेसन। और इसका ऑथर कौन है, कैथरीन पाइल, ओके। ये ऑथर्स के बारे में दिया हुआ है थोड़ा सा जानकारी। कैथरीन पाइल वाज बर्न इन विलिंगटन ऑन नवंबर 20, 1863 इन 1879 वाइल अ 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट एड विल्मिंगटन्स मिसेस हब्स स्कूल हर पोयम द पाइपिंग स्पेयर वॉज पब्लिश्ड इन एटलांटिक मंथली। ड्यूरिंग हर कैरियर सी रोट एंड इलस्ट्रेटेड अबाउट 30 बुक्स एंड इलस्ट्रेटेड ए नंबर ऑफ बुक्स बाय अदर ऑथर्स इंक्लूडिंग अन्ना स्वेल्स ब्लैक ब्यूटी इन 1924 हर सीरियलाइज्ड आर्टिकल द स्टोरी ऑफ दिलावरे appeared in the Wilmington newspaper, the Sunday Morning Star. Many of her stories were drawn from fairy tales, ancient myths, nursery rhymes, and stories about animals. Catherine Pyle died on February 19,
1938 at her residence at 804 North Franklin, St. Wilmington. इसको आप लोग पढ़ सकते हो, उनके जन्म के बारे में, उनका क्या वर्क है, ये सब के बारे में इसमें थोड़ा सा बताया गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये रहा आपका मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपको वर्ड्स जो दिया हुआ है उसका आपको इंग्लिश में मीनिंग बताया गया है. इसको क्या आप लोग देख सकते हो. पहला क्या है, नोडेड. नोडेड मतलब मूव्ड हेड अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड. मतलब मूव्ड हेड मतलब सिर को हिलाना है ना, साइड टू साइड मतलब इधर उधर, अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे. नेक्स्ट है ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विल मतलब पीसफुल. पीसफुल मतलब शांति. स्टीड. स्टीड मतलब इंस्पायर, मतलब प्रेरित होना. ट्रेम्बलिंग मतलब क्या है, शेकिंग विथ फियर, मतलब डर से हिल जाना, कांपना है ना. स्टेडिली, लिटिल बाय लिटिल या ग्रेजुअली या धीरे धीरे. ओके. सेल्ड मतलब, सेल्ड मतलब यहाँ पर दिया हुआ है फ्यू. और मूव्ड स्मूथली यानी कि रवाना होना. व्हीर्लिंग. व्हीर्लिंग मतलब मूविंग राउंड एंड राउंड, मतलब क्या है, चक्कर लगाना है ना, गोल गोल घूमना. ओके. तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के क्वेश्चन आंसर के साथ. होप आप लोगों को ये जो पोयम छोटा सा था है ना, इंटरेस्टिंग पोयम था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. और समझ में एक बार में नहीं आता है तो स्टूडेंट्स वीडियो को बार बार देखना है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना. ओके स्टूडेंट्स, और अपना कमेंट जरूर बताना. कमेंट मतलब आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन सी टॉपिक पढ़ना है, क्या है, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. ओके, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स.